बोलिए दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हो खैरियत होंगे। तो ये जो बाइक आप देख रहे हैं, ये कावासाकी वाले की बाइक है, 1000 cc में बाइक है। तो इसमें जो है प्रॉब्लम ये आ रही है कि बाइक को जब भाई चला रहा है तो रेस जो है ओवर हो रही है और बाइक जो है स्पीड नहीं पकड़ रही है। तो इसका जो है शायद क्लच वीक हो चुका है। तो इसका जो है क्लच बॉक्स खोल करके इसको चेक करना पड़ेगा कि इसके क्लच की जो है पोजिशन क्या है। क्लच प्लेटें देखें आप, इसकी क्लच प्लेटें बिल्कुल न्यू है। हाँ, तो माशाल्लाह इसकी जो है मैंने क्लच किट जो है मंगा ली है। आप देख सकते हैं ये इसकी क्लच किट है और ये इस पे इसके स्प्रिंग है। तो आप सोच रहे होंगे मैंने जो है इसको ऑयल में क्यों डाल कर रखा है। तो हमेशा याद रखें, ये जो है बहुत ही ज़रूरी है, जब भी आप अपनी बाइक में क्लच डलवाएं तो याद रखें इसको जो है, जो इसकी ये फंक्शन प्लेटें होती हैं, ये स्टील प्लेट है और ये जो है फंक्शन प्लेट है। तो इसको जो है लाजमी 15 से 20 मिनट जो है आप ऑयल के अंदर डाल करके रखें। इससे होता ये है कि अगर आप बिना ऑयल के अंदर डाले हुए इसको ऐसे ही जो है फिट कर देते हैं क्लच को, तो यहाँ पर जो है एकदम सी ऑयल नहीं आता है। यहाँ पर जो है ऑयल आने में थोड़ा वक्त लगता है।
तो इससे क्या है कि अगर जिसकी भी बाइक है कस्टमर की, आपने क्लच लगाया और उसने क्या है कि गाड़ी को स्टार्ट करके अगर वो फ़ौरन ले करके चला गया तो क्लच प्लेट जो है उससे जल जाती है, क्लच जो है चिपक जाता है। तो इससे क्या है कि ये अब ये जो इसके आप यहाँ पर जो ये देख रहे हैं तो लेदर, तो यहाँ पर क्या है कि इसने अब सारा ऑयल पी लिया है तो ये जो है बिल्कुल भी चिपक नहीं सकता और ना ही ये जल सकता। तो इस चीज़ का जो है ख़ास तौर पर ध्यान रखें। मैंने काफ़ी मतलब क्लच ऐसे भी खोले हैं कि नए क्लच हैं और वो जो है इसी उससे वजह से जल गए हैं। तो बाकी जो है आप देखें जो इसका क्लच था, ये इसका पुराना क्लच है, ये बिल्कुल नया क्लच है। आप देखें एक महीना जो है भाई को इसे डलवाया हुआ है। इसके अंदर मसला क्या था, मसला इसके अंदर ये था कि भाई बतला रहे हैं कि जैसे भाई 200 से ऊपर जाता था तो बाइक जो है मतलब जिस तरह से मतलब भागनी चाहिए वैसे नहीं भाग रही थी, रेस थोड़ी ओवर हो जाती थी और स्पीड जो है 200 ही रह रही थी। तो मैंने जो इसका जब क्लच खोला, क्लच मुझे बिल्कुल ओके लगा, बिल्कुल नया क्लच है, एक महीने पहले भाई ने डलवाया था। लेकिन जब मैंने इसकी ये स्टील प्लेटें देखी तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये जो चार प्लेटें हैं ये जो है 2.4 mm की लगी हुई हैं और ये जो इसकी पांच प्लेटें हैं ये जो है 2.6 mm की लगी हुई हैं। तो ये सारा जो रोला था ये इसी प्लेटों का था। क्या है कि इससे सेटिंग सही नहीं बैठ रही थी तो इसी वजह से जो है ये परेशानी आ रही थी। आपको भी दिख रही होंगी ये इधर की जो प्लेटें हैं ये पतली हैं बारीक और इधर की जो है ये मोटी हैं। और ये जो नई है आप देखें, ये नई जो है टोटल ये 2.6 mm की है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है, देखें स्टील प्लेट 2.6 mm। तो इसी की जो है मैं फिटिंग करने वाला हूँ। तो चलिए इसकी फिटिंग बनाता हूँ, उसके बाद में जो है स्टार्ट करके इंशाल्लाह देखेंगे। Thank you.
माशाल्लाह जो कावासाकी है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इसको स्टार्ट करता हूँ मैं। माशाल्लाह इसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी प्यारी है। आपकी वीडियो कैसी लगी इंशाल्लाह मिलता है अगली वीडियो में। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।